हेलो दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों आज का हमारा वीडियो एमएस पेंट के ऊपर है। ये देखिए एमएस पेंट है। इस एमएस पेंट के अंदर मैंने ये देखिए ये जयपुर जो लिखा हुआ टेक्स ये तीन कलर में है। इसके नीचे आप ये देखेंगे एम, ये देखिए इसके पीछे इसकी ड्रॉप शेडो आ रही है, परछाई आ रही है, यानी 3D टेक्स है। और इसी तरह से इसके आगे जो आई लिखा हुआ है ये दो कलर में लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको ये ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम एमएस पेंट के अंदर टेक्स्ट को दो या दो से ज़्यादा कलर में किस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और इसके बाद फिर मैं आप नई फाइल ओपन करूँगा और फिर मैं आपको ये सिखाऊँगा कि किस तरह से हम ये वर्क कर सकते हैं कि हम दो या दो से ज़्यादा कलर में टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये अब मैं ये नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी नई फाइल आ गई दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको टेक्स्ट के पीछे ड्रॉप शेडो या 3D टेक्स्ट कैसे लिखते हैं ये चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने टेक्स्ट लिया। जनरली हम जो भी टेक्स्ट लेते हैं और जो भी कुछ लिखते हैं, जैसे कि ये मैंने इसमें लिखा एम, ये मैंने एम लिखा है इसमें दोस्तों, तो ये एक सिंगल कलर में ही आएगा, डबल कलर में नहीं आएगा। अब हम इसको 3D कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट ले लिया, आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन रखें और इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद जो भी आए आप इसमें ये कलर डाल दें, कलर फिल कर दें। ये देखिए कलर फिल कर दिया। अब आप इस वाले टेक्स्ट के बिल्कुल इस तरह से अरेंज करें कि इसके पीछे का शेड नज़र आए। ये देखिए अब मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ। ये देखिए तो आप देख रहे हैं ये एक हमारा बहुत ही आसानी से 3D टेक्स तैयार हो गया। आप इसके ऊपर और कलर डालना चाहें और अधिक, तो आप इसमें एक और कलर ये देखिए दे सकते हैं और इसमें और भी अधिक लुक और वेराइटी दे सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से ये डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो आप इस तरह से इसमें दो या दो से ज़्यादा कलर दे सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको जो इसमें बताने वाला हूँ अब कि हम टेक्स्ट दो या दो से ज़्यादा कलर में कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक हम टेक्स्ट लिखते हैं कोई, ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर जयपुर। मेरा अभी यहाँ पे ये रेड कलर सिलेक्ट है इसलिए अभी ये रेड कलर में आ रहा है। यदि मैं यहाँ पर कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट उसी कलर में चेंज हो जाएगा। मैंने ये रेड कलर ले लिया। अब इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने इसको सेंटर में लेके मैंने इसको कर लिया कॉपी। ओके दोस्तों मैंने इसको कॉपी कर लिया। मैं इस वाले टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। पहले ये मैंने टेक्स्ट लिया और ये मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया और अब मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद क्या करना है, आप इसमें जो भी दूसरा कलर डालना चाहें वो दूसरा कलर फिल कर दें। ये देखिए मैंने दूसरा कलर फिल कर दिया। अब आप सिलेक्शन लें और जहाँ तक आपको येलो रेड कलर दिखाना है वहाँ तक इसको डिलीट कर दें। ये डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ के इसके ऊपर अरेंज कर दें या रख दें। ये देखिए ये मैंने इसको रख दिया। अब वापस से आप पेस्ट करें। पेस्ट किया आपने, पेस्ट करने के बाद वापस से ये कलर बकेट लें और अब आपको जो भी कलर फिल करना हो वो कलर इसमें फिल कर दें। ये देखिए ये मैंने कलर फिल कर दिया। वापस से आप सिलेक्शन लें। सिलेक्शन लेने के बाद आपको जहाँ तक येलो कलर दिखाना हो वहाँ तक सिलेक्शन ले लें और इसको डिलीट कर दें। ये डिलीट किया आपने। अब वापस से सिलेक्शन को ले कर और इसको यहीं पर वापस अरेंज कर दें। ये देखिए ये अरेंज कर दिया दोस्तों। ओके बहुत ही अच्छे से हमने इसको अरेंज कर दिया। तो देखिए दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट था वो तीन कलर में हो गया, रेड, येलो और ग्रीन। अब इसी तरह से मैं आपको दो कलर में भी टेक्स्ट लिखना बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा EYE, अभी ये ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर से मैं इसको ब्लू कलर में बदल लेता हूँ। ये देखिए अब मैं इसको वापस से सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करके मैंने इसको इधर रख लिया और मैंने इसको किया कॉपी और पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद मेरे पास स्पेस नहीं है, पहले मैं इसको इधर खिसका लेता हूँ और मैंने इसको किया पेस्ट। ये देखिए पेस्ट हो गया। अब इसमें मैं जिस कलर भर देता हूँ कोई सा भी, मान लीजिए मैंने ये कलर भर दिया इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर ये कलर भर दिया। अंडू करूँ क्योंकि ये बाहर कलर फिल हो गया था,
ये देखिए कलर फिल कर दिया। अब वापस से सिलेक्शन पे जाके मुझे जहाँ तक वो कलर दिखाना है, ये देखिए मैंने डिलीट किया और अब ये मैंने इसको उठा के वहीं पे अरेंज कर दिया। ये देखिए बिल्कुल एकदम आप इसको बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करें। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ऊपर वाला टैक्स हमारा 3 कलर में है और नीचे वाला टैक्स 2 कलर में है। और स्टार्टिंग में मैंने इसके शेड आपको शेड कैसे बनाते हैं वो सिखाई दिया था। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे भी मैं आपके लिए और ऐसी ट्रिक्स लेके आता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।